Hi everyone, I welcome you in Sunday Morning Motivation. Honesty is the best policy. You would have listened to this statement, but why honesty is the best policy? With the help of this story, I'm going to tell you why honesty is the best policy. सो माई फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ बॉस, एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस जिसे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया है, नाउ आई नीड टू टेक सम रेस्ट। लेकिन रिटायर होने से पहले मुझे कंपनी का न्यू CEO को चुनना है, मुझे न्यू CEO बनाना है। और न्यू CEO बनाने के लिए उसके माइंड में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी जो वो चाहता था कि उसके सारे एम्प्लॉयज़ ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। और फिर नेक्स्ट डे जब वो कंपनी गया तो सारे एम्प्लॉयज़ को उसने जमा किया और उनसे कहा कि नाउ आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम दिस कंपनी, लेकिन रिटायर होने से पहले मैं आप में से किसी एक को कंपनी के CEO की पोस्ट देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नाउ एवरी एम्प्लॉय गॉट सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, लेकिन बाद में उसने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी सिंपल एक्टिविटी, वेरी सिंपल टास्क। मेरे पास कुछ स्पेशल सीड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो सीड से प्लांट ग्रो करो और जिसका प्लांट जितना ज़्यादा ग्रो होगा वो कंपनी का नेक्स्ट CEO होगा। अब सारे लोग सरप्राइज होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ दिस, लेकिन साथ ही साथ सब लोग खुश भी थे कि उन्हें एक CEO बनने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब सारे लोग घर पर गए और प्लांट को ग्रो करने का हार्डवर्क स्टार्ट कर दी। अब उन सारे एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय था जिसका नाम था जॉन, जो कि बहुत हार्डवर्किंग था, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी उसका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था। 3 से 4 वीक हो गए, 5 वीक हो गए, हार्ड वर्क करने के बावजूद उसका प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी मदर से भी कहा, लेकिन उसकी मदर ने भी उसकी बहुत बहुत मदद की, लेकिन फिर भी वो लोग प्लांट को ग्रो नहीं कर पा रहे थे। और 3 से 4 हफ्ते बाद जब वो कंपनी में गया तो सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपने प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। कोई बोल रहा था मेरा प्लांट इतना ज़्यादा ग्रो हो गया है, कोई कह रहा था कि मेरे प्लांट में फ्रूट्स आ गए, फ्लावर्स आ गए, लेकिन जॉन जो था वो कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसके प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा था। अब 1 साल कंप्लीट हो गए, अब 1 साल कंप्लीट होने के बाद सारे लोग अपने प्लांट लेकर आए और जॉन थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा था अपने प्लांट को शो करने के लिए, इसलिए अपने प्लांट को थोड़ा सी हाइड कर रहा था। अब बॉस आ गए, बॉस ने सारे लोगों से पूछा कि वेयर इज़ योर प्लांट, सारे लोग अपने प्लांट शो करने लगे और बहुत ग्रो कर चुके थे सारे लोगों के प्लांट, लेकिन जॉन अपने प्लांट को हाइड कर रहा था। लेकिन बॉस ने उसे देख लिया, बॉस ने उसे स्पॉट कर लिया और उसके प्लांट और उसे उसके प्लांट के साथ बुलाया। और जब उसे बुलाया तो सारे लोग हंसने लगे उसको, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, राइट। सो वहाँ पर जॉन बहुत एम्बैरेस फील किया, लेकिन बॉस ने कहा कि 1 साल पहले मैंने आपको सीड दिया था और मैंने कहा था कि 1 साल में आपको अपना प्लांट ग्रो करना है और जितना ज़्यादा जिसका प्लांट ग्रो करेगा वो कंपनी का नेक्स्ट CEO होगा, राइट। नाउ अब वो वक्त आ गया कि मैं नेक्स्ट CEO को चुनूं और आप में से ही वो एक है और वो है जॉन। सारे लोग सरप्राइज्ड हो गए, अमेज्ड हो गए कि जॉन का प्लांट तो ग्रो ही नहीं किया, हाउ ही कैन बी द नेक्स्ट CEO ऑफ आवर कंपनी। तो वहाँ पर बॉस ने एक्सप्लेन किया कि जो सीड मैंने आपको दिया था वो बॉयल सीड थी, वो कभी ग्रो नहीं कर पाती चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लेते, राइट। तो इसका मतलब ये कि आप सारे लोगों ने अपनी सीड को रिप्लेस कर दिया, सारे लोगों ने अपनी सीड को चेंज कर दिया, इसीलिए आपके सारे प्लांट्स इतने ग्रो कर चुके हैं। लेकिन जॉन इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, उसने अपनी सीड को रिप्लेस नहीं किया एंड ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, डेट्स वाई हिज प्लांट कुडंट ग्रो, राइट। सो माई फ्रेंड्स, वट इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी? We always say that honesty is the best policy, right? So why honesty is the best policy? This story shows that why honesty is the best policy. Because when you're honest with your work, definitely you will get a big reward, right? अगर आप अपने काम के साथ honest हो तो definitely इसका आपको एक बहुत बड़ा reward मिलता है। You see, if you are honest, if you will plant honesty, then you will reap trust. But if you will plant dishonesty, you will reap distrust. Right, so always be honest with yourself, always be honest with your work, definitely you will get great reward in future. Thank you.